हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माई चैनल द कार मैन। तो गाइज यार, आज की इस वीडियो में हम टाटा मोटर्स की मिड साइज एसयूवी टाटा ब्लैकबर्ड के बारे में बात करेंगे। वैसे तो टाटा मोटर्स ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस कार के बारे में कुछ भी डिटेल्स नहीं रिवील किया है, लेकिन 2020 ऑटो एक्सपो में टाटा मोटर्स ने इस कार को रिवील किया था। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इस कार के बारे में जान लेते हैं। तो गाइज यार, जैसे कि आप लोगों को पता है, टाटा मोटर्स के पास अभी सिर्फ 3 एसयूवीज है, टाटा नेक्सॉन, टाटा हैरियर और टाटा सफारी। टाटा नेक्सॉन और टाटा हैरियर के बीच में सेगमेंट की डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि नेक्सॉन एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है जबकि हैरियर एक बड़ी फुल साइज एसयूवी है। इसके अलावा हैरियर और नेक्सॉन का प्राइस डिफरेंस की ओर देखा जाए तो उनमें प्राइस डिफरेंस भी बहुत ही ज़्यादा है। नेक्सॉन का टॉप वेरियंट 11 लाख रुपीज़ तक चला जाता है, जबकि हैरियर का बेस वेरियंट ही आता है 13 लाख रुपीज़ से। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि इनमें प्राइस डिफरेंस कितना ज़्यादा है। इसीलिए टाटा मोटर्स अब टाटा नेक्सॉन और हैरियर के बीच में एक मिड साइज एसयूवी को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है, और उसका नाम है टाटा ब्लैकबर्ड। इस कार की एक्सपेक्टेड एक्सोरूम प्राइस की ओर देखा जाए तो ये कार 7.09 लाख रुपीज़ से 12.79 लाख रुपीज़ के अंदर लॉन्च हो सकती है। फीचर्स की ओर देखा जाए तो इस कार में आपको लार्ज टच स्क्रीन मिल सकता है, उसके साथ एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन वगैरह या फिर टाटा की कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी IRA भी इस कार में आपको मिल सकता है। इसके अलावा आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी डिटेल्स अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया है। सेफ्टी की ओर देखा जाए तो टाटा की गाड़ियों का बिल्ड क्वालिटी कैसी होती है वो तो आप लोगों को ज़रूर से पता होगा। इसके अलावा टाटा इस कार में आपको बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स भी प्रोवाइड करने वाला है। और अगर एक्सपेक्टेड इंजन ऑप्शन की ओर देखा जाए तो इस कार में आपको दो तरह की इंजन ऑप्शन मिल सकता है। एक है 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन, जो इंजन नेक्सॉन में यूज़ होता है, वही इंजन को इस कार में भी यूज़ किया जाएगा रिट्यून करके। इसके अलावा इस कार में आपको 1.5 लीटर डीजल इंजन भी मिल सकता है। और अगर राइवल्स की ओर देखा जाए तो ये कार लॉन्च होने के बाद डायरेक्ट कॉम्पिटिशन दे सकेगा सेगमेंट किंग ह्यूंडई क्रेटा और किया सेल्टोस जैसे मिड साइज एसयूवी को। तो गाइज यार, आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट्स करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स आपको इसी चैनल पर ही मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।